हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में देखिए मैंने आपको लोगों को फॉर्मूले जितने भी दे मैंने वो लिखवा दी थे। अब देखिए आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। मान लीजिए आपके पास में वो फंक्शन है साई 2x+3, इसका डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन 2x+3 का डिफरेंशियल करना है आपको, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये जो फंक्शन ने आपको जो दे रखा है साइन 2x+3, इसको पहले लेट करेंगे। देखिए लेट इसको मान लेता हूं मैं y=sin 2x+3। इतना लिखने के बाद में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे y=sin 2x+3। अब आगे इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें आगे इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से हम करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते ही इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशियल का जो सिंबल होता है d/dx, x का मतलब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। इधर भी क्या करेंगे d/dx, तो डिफरेंशियल का सिंबल लग गया इधर, लग गया इधर, लग गया इधर, से क्या आ जाएगा y, इधर से क्या आ जाएगा sin 2x+3। या ऐसा आपको डिफरेंशियल करना है sin 2x+3 का विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट करेंगे इसको y=sin 2x+3। अब आगे क्या करना है इसका कि डिफरेंशियल विद, ये देखिए इधर इधर जिस साइड का फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है, यानी इधर x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में, अगर t का है तो t के रिस्पेक्ट में, अगर थीटा का है तो थीटा के रिस्पेक्ट में। इस साइड में जो फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशियल होता है। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो हमेशा डिवाइड में आएगा। तो d/dx इधर से हम आपने जो फंक्शन को माना वो आ जाएगा d y हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा sin 2x+3। ये फंक्शन आ गया मेरे पास में। अब इसका मेरे को डिफरेंशियल करना है, तो डिफरेंशियल देखिए d/dx sin x, इसका जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है cos x, क्या होता है cos x। लेकिन मेरे पास में इसका जो एंगल है वो 2x+3 दिया हुआ है। एंगल क्या है 2x+3, तो डिफरेंशियल में क्या होता है कि डिफरेंशियल में हर पार्ट का डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल में हर पार्ट का डिफरेंशियल होता है। तो देखिए मैं पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डिफरेंशियल स्टेप बाय स्टेप होगा, ये नहीं है कि पहले 2x+3 का हो जाएगा। पहले साइन का है तो पहले साइन का करेंगे, साइन का होने के बाद में उसके आगे का है उसका करेंगे। तो देखिए ये साइन 2x+3 है और मैं जानता हूं कि साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है कॉस एक्स, यहां पर एंगल इसका क्या है एक्स, तो यहां पर जो एंगल होता है वो एंगल यहां पे साथ में आता है, यहां पे जो एंगल था वो क्या था एक्स था, तो कॉस साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया कॉस एक्स। तो देखिए ये पूरा साइन एक्स है, एंगल ही तो है इसका ये एक्स, यानी कि ये पूरा साइन एक्स है। पहले साइन का करता हूं, पहले साइन का करेंगे, देखिए साइन का क्या होता है कॉस एक्स, एक्स क्या है इसका 2x+3, ठीक है भाई। मैंने किसका किया साइन का किया, इस साइन का मैंने डिफरेंशियल किया, क्या हो गया साइन का कॉस एक्स, कॉस इसका एंगल था 2x+3, ये योग का योग आ गया 2x+3। अब साइन के बाद में देखिए इसका एंगल 2x+3 है, इसका भी डिफरेंशियल होगा इनटू, ये हमेशा साथ में मल्टीप्लाई में आएगा
साइन का क्या कॉस एक्स टू एक्स प्लस थ्री। अब इस एंगल का करेंगे, एंगल का करेंगे तो देखिए यहां से इनटू टू एक्स है, डिफरेंशियल क्या है टू एक्स है। अब मैं टू एक्स का डिफरेंशियल करता हूं तो एक्स का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होता है एक होता है, एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स। एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है एक होता है, डी ओवर डी एक्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है एक। तो मैं जब 2x में 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट बना रहेगा लेकिन x का डिफरेंशियल हो जाएगा तो x का डिफरेंशियल क्या होता है 1। यहां से क्या बचा 2, 2 * 1 क्या आ गया 2, इसका डिफरेंशियल हो गया 2x का। अब प्लस 3 का करूंगा, 3 का करेंगे तो देखिए डिफरेंशियल कांस्टेंट का हमेशा 0 हो जाता है तो d ओवर dx c कांस्टेंट और कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशियल क्या होता है जीरो। सी की मतलब ए बी सी जो भी है उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा जीरो। 5, 4, 3, 2, 1, 100, 2000, 5000 ये सब क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशियल क्या हो जाता है जीरो। अगर ये इसके साथ में 2x + 3 है तो 2x है, अगर ये x नहीं होता तो 2 का डिफरेंशियल यहां पे जीरो हो जाता, लेकिन साथ में क्या है x है तो x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 तो साथ में 2 है 2 * 1 क्या हो जाएगा 2। अब प्लस 3 इसके साथ में x नहीं है तो 3 अकेला कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, 2 + 0 ये इसका डिफरेंशियल हो गया। sin 2x + 3 का डिफरेंशियल क्या हो गया, पहले sin का करेंगे, sin का क्या होता है cos x, cos x x क्या है इसका 2x + 3 * अब 2x + 3 का करेंगे तो 2x + 3 का करेंगे तो पहले 2x का करेंगे तो x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, एक को गुणा किया 2 से 2 आ गया प्लस 3, 3 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाता है 0। इसको सॉल्व करते देखिए आगे तो ये आ जाएगा 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई में ये तो 0 हो जाएगा 2 cos 2x + 3 ये इसका आंसर आ जाएगा भाई, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए और क्वेश्चन देखिए साइन आपको डिफरेंशियल करना है साइन e की पावर x का, किसका करना है साइन e की पावर x का डिफरेंशियल। फंक्शन हमारे पास में एक है साइन x लेकिन इसके मल्टीप्लाई में क्या है इसका एंगल क्या है e की पावर x, साइन x का जो एंगल है साइन का जो एंगल है वो क्या है e की पावर x। तो देखिए इसका करते हैं अभी साइन e की पावर x का डिफरेंशियल करना आपको विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे इसको लेट करेंगे, क्या करेंगे लेट करेंगे लेट y बराबर साइन e की पावर x, साइन का जो एंगल है वो क्या है e की पावर x। अब देखिए अब डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x जो ही डिफरेंशियल लिखने के बाद लिखेंगे तो हम क्या करेंगे d ओवर dx, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो नीचे आएगा d ओवर dx बराबर d ओवर dx, इधर से y आ जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा sin e की पावर x। d ओवर dx sin e की पावर x आ गया, इसका मतलब ये e की पावर x को एक बार आप भूल जाओ तो ये बन गया sin x और sin x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, x क्या है इसका e की पावर x, ये तो हो गया sin x का, इस sin का हुआ है तो sin का किया तो क्या होता है cos x, x क्या है इसका e की पावर x। अब sin से आगे बढ़ते हैं किसका है e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है भाई, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है d ओवर dx e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है e की पावर x होता है, तो e की पावर x का डिफरेंशियल करूंगा इनटू e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है e की पावर x, तो आंसर क्या आ जाएगा e की पावर x cos e की पावर x, ये इसका आंसर होगा भाई।
आगे देखिए और आपको ये सबके सब क्वेश्चन आपको रफ कॉपी में सॉल्व करने हैं भाई, पेपर कॉपी में नहीं उतारने, सभी क्वेश्चन आपको रफ कॉपी में सॉल्व करने हैं। साइन लॉन्ग एक्स का डिफरेंशियल करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि साइन लॉन्ग एक्स का आपको डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको हम लेट करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, इसको लेट किया, लेट वाई बराबर साइन लॉग एक्स। अब देखिए वाई बराबर साइन लॉग एक्स, फंक्शन क्या है मेरे पास में, एक ये साइन एक्स, इस साइन का एक्स क्या है लॉग एक्स है, साइन एक्स का एंगल क्या है लॉग एक्स है। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशियल करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बात देखते हैं क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं वो नीचे डी ओवर डी एक्स, ये डिफरेंशियल का सिंबल होता है भाई, डी ओवर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो नीचे आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये एक्स इधर भी क्या आ गया एक्स, इधर से क्या है वाई, ये वाई आ गया, और इसके साथ में क्या दिया साइन log x, साइन log x क्या है ये साइन log x। अब देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसका इसका, तो ये बढ़ गया साइन x, साइन x का क्या होता है cos x, cos x, x क्या है इसका log x, ये तो हो गया साइन का, पहले साइन का किया, साइन का क्या हो गया cos x, तो cos x की साइन का x क्या है log x, तो साइन का क्या हो गया cos x, x क्या है इसका log x। अब किसका करेंगे साइन से आगे, ये साइन का क्या है मैंने, साइन से आगे बढ़ते तो क्या आता है log x into, अब d over dx log x का डिफरेंशियल क्या होता है भाई, d over dx log x, और इसका डिफरेंशियल क्या होता है 1 upon x, क्या होता है 1 upon x। d over dx log x का क्या होता है 1 upon x, तो log x का क्या हो जाएगा 1 upon x। पहले क्या करेंगे sin का डिफरेंशियल करेंगे, sin का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, cos x, तो इस sin का x क्या है log x, तो sin का डिफरेंशियल क्या होगा cos x, cos x, x क्या है इसका log x into, अब sin से आगे बढ़ेंगे तो क्या है log x into, log x का करेंगे क्या होगा 1 upon x, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया cos log x upon x, ये इसका आंसर हो जाएगा dy over dx। आगे देखिए आपको डिफरेंशियल करना है cos ax plus b का, डिफरेंशियल करना आपको विद रिस्पेक्ट टू x, cos ax plus b का डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो इसका मतलब इसको लेट करेंगे, पहले लेट यानी कि ये जो फंक्शन दिया है उसको लेट करेंगे, y बराबर इसको मान लिया y बराबर cos ax plus b, ठीक है भाई, क्या मान लिया इसको, ये जो फंक्शन है cos ax plus b, फर्स्ट ऑफ ऑल यही आपको करना है कि जो फंक्शन आपको दे रखा है उसको लेट करो, तो लेट y बराबर क्या मान लिया इसको cos ax plus b। अब मैं डिफरेंशियल करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करूंगा डिफरेंशियल करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा d ओवर dx, जिसके रिस्पेक्ट में है वो नीचे d ओवर dx, इस साइड से y है ये आ गया, इस साइड से क्या है cos ax plus b। अब देखिए ये बन गया d ओवर dx cos x, क्या बन गया cos x, और cos x का क्या होता है, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है भाई d ओवर
डी एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, इसका डिफरेंशियल होता है, यानी कि यहां पे जो एक्स था वो साथ में आता है, तो इसका एक्स क्या है ए एक्स प्लस बी, तो देखिए इसका डिफरेंशियल करते हैं, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, क्या है इसका ए एक्स प्लस बी, ठीक है भाई, इसका किया मैंने कॉस का किया भी मैंने, इसका किया कॉस का किया, अब इसका एंगल क्या करेंगे, एंगल क्या है इसका ए एक्स प्लस बी इंटू, अब ये ए एक्स है, ए एक्स है, ये ए तो यहीं पे रहेगा इंटू एक्स का डिफरेंशियल होगा क्या हो जाएगा ए, मैंने अभी बताया आपको डी ओवर डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है ए होता है, तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ए इंटू वन ए हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये था ax, x का डिफरेंशियल करूंगा तो क्या हो जाएगा एक, एक इंटू ए क्या बन गया a प्लस b, b क्या है कॉन्स्टेंट, क्योंकि इसके साथ में x नहीं है कोई भी, इसलिए क्या माना जाएगा कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाता है जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस a साइन ए एक्स प्लस बी, ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी, पहले क्या करेंगे जो फंक्शन दे रखा उसको लेट करेंगे, लेट करने के बाद में इसका डिफरेंशियल करेंगे किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी ओवर डी इधर रखेंगे, डी ओवर डी इधर रखेंगे, और ये फंक्शन वाई हो जाएगा, ये फंक्शन यहाँ पे लिखा जाएगा, और डी ओवर डी जिसके साथ में है उसका डिफरेंशियल करेंगे, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ये कैसा आ जाएगा ऐसा कैसा आ जाएगा डी वाई ओवर dx, अब देखिए cos का क्या होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x क्या है इसका ax plus b, अब इस एंगल का होगा इनटू ax का, यानी x a साथ में है इसके, लेकिन पहले किसका होगा x का डिफरेंशियल क्या हो जाता है a, तो यहां से क्या आ जाएगा a plus b, b का b क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो जाता है जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो a बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, a बाहर आ गया माइनस a sin x plus b, इसका आंसर होगा। आगे देखिए tan log x, tan log x का डिफरेंशियल करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x, tan log x का डिफरेंशियल करना विद रिस्पेक्ट टू x की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया इसको मानना पड़ेगा पहले, तो लेट कर लेते हैं इसको, लेट y बराबर tan log x, y बराबर क्या आ गया tan log x, अब लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल का सिंबल लगा दो भाई d ओवर dx, इधर से क्या आ जाएगा d ओवर dx, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है x आ गया, इधर भी x आ गया, इधर क्या है y, ये y आ गया, इधर क्या है tan log x, क्या आ गया tan log x, अब देखिए ये बन गया tan x, क्या हो गया tan x, इस tan का जो x है वो क्या है log x है, tan का एंगल क्या है यहां पे log x, तो देखिए d ओवर dx, d ओवर dx tan x, इसका डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, ये जो एंगल है वो साथ में आ रहा है, tan x का क्या है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर x, तो देखिए इस tan का क्या होगा sec स्क्वायर x, इसका x क्या है log x, ये तो मैंने इस tan का किया भाई, इस tan का किया, tan से आगे बढ़ेंगे तो क्या है log x, और log x का डिफरेंशियल क्या होता है d ओवर dx log x, इसका डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन x,
तो देखिए tan का क्या, तो क्या बन गया sec स्क्वायर x, x क्या है इसका log x, ये आ गया इसका एंगल। अब एंगल क्या है इसका log x, इस एंगल का भी होगा, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 upon x। इसका मतलब tan log x का डिफरेंशियल क्या आ गया sec स्क्वायर log x और upon x, इसका आ गया ये इसका डिफरेंशियल आ गया, क्या आ गया इसका डिफरेंशियल आ गया। आगे देखिए मैं इसी को चेंजमेंट कर देता हूं थोड़ा सा, मैं इसी को थोड़ा चेंजमेंट कर देता हूं, ये लीजिए साहब। अब मैं इस फंक्शन को कर दूं एक्स क्यूब, क्या कर दिया tan log x क्यूब कर दिया मैंने। देखिए मैंने कहा है कि डिफरेंशियल में हर पार्ट का डिफरेंशियल होता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशियल होगा। देखिए मेरे को डिफरेंशियल करना है tan log x की क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा मैं लेट कर लेता हूं इसको, लेट y बराबर tan log x क्यूब, ठीक है भाई। अब देखिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x क्या किया, डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू x के, तो देखिए सिंबल लग गया d ओवर dx, इधर भी क्या लग गया d ओवर dx, इधर से क्या आ जाएगा y, इधर से क्या आ जाएगा tan log x क्यूब, ठीक है भाई। अब देखिए मैंने कहा कि डिफरेंशियल में हर पार्ट का डिफरेंशियल करता जाऊंगा, मैं देखिए tan का करूंगा, फिर इस log का करूंगा, फिर इस x क्यूब का करूंगा। देखिए कैसे, पहले tan का करेंगे, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इसका x क्या है log x की क्यूब, ये हो गया। मैंने किसका किया पहले tan का किया, बात समझ में आ गई, किसका किया tan का, tan का किया sec स्क्वायर x, x का मतलब इसका जो एंगल है वो यू का यू आ जाएगा log x की क्यूब, ये tan का हो गया। अब मैं चलता हूं आगे, tan से आगे बढ़ता हूं into log x क्यूब है, ये क्या है log x है, log x, और log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 upon x, लेकिन इस log का x क्या है x क्यूब। देखिए समझिए इसको d over dx log x, इसका डिफरेंशियल 1 upon x, इसका मतलब ये जो एंगल होता है वो नीचे आता है, ये जो एंगल होता है वो डिवाइड में आता है, बात समझ में आ गई। log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 upon x, यानी इस log का, इस log x का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होता है 1 upon x, यानी कि यहां पे जो एंगल है log का ये x ये डिवाइड में जाता है 1 upon x, तो इसका क्या जाएगा log x के क्यूब का क्या होगा 1 upon, यानी log x का क्या होता है 1 upon x, तो इसका क्या हो जाएगा 1 upon x की क्यूब, 1 upon x की क्यूब, बस समझ में आ गई। यानी tan का क्या sec स्क्वायर log x क्यूब, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन इस tan का एंगल पूरा का पूरा क्या है इसका x क्या है log x की क्यूब, ये आ गया। अब मैं इससे tan का किया तो इसका आगे बढ़ता हूं log x आ गया, यानी कि log x क्यूब हो गया, यानी log x है। अब ये मान के चलिए log x है, तो log x का क्या होता है 1 upon x, log x का क्या होता है 1 upon x, यानी कि यहां पे जो एंगल होता है वो डिवाइड में जाता है 1 upon x, लेकिन इसका क्या जाएगा डिवाइड में 1 upon x की क्यूब, बात समझ में आ गई। अब मैंने किसका किया इस log का कर दिया 1 upon x क्यूब हो गया। अब इनटू इनटू, अब देखिए अब इस x क्यूब का होगा डिफरेंशियल, किसका होगा x क्यूब का डिफरेंशियल होगा, x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है x क्यूब का डिफरेंशियल, देखिए मैंने बताया d ओवर dx x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, यानी मेरे पास में x की क्यूब है d ओवर dx x की क्यूब, इसका करूंगा तो देखिए n n इसका क्या है 3 x की पावर 3 माइनस 1 3 x स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा
कहने का मतलब ये है, ऊपर वाली पावर को मल्टीप्लाई में लिया हो और उसकी एक पावर कम कर दो, ये वो उसका डिफरेंशियल हो जाएगा। तो देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 3x2। क्या बन गया, 3x2। अब देखिए ये इसका आंसर, देखिए मैंने पहले किसका किया, टेन का किया, मैंने कहा कि डिफरेंशियल में हर पार्ट का डिफरेंशियल होगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा, मैंने टेन का किया, ये आ गया, फिर टेन से आगे बढ़ा के आ गया लॉग, लॉग का किया, फिर इसका लॉग का एंगल क्या था एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशियल कर दिया, एक्स क्यूब का क्या हो गया 3x2। अब देखिए एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा sec स्क्वायर log x की क्यूब, और ये ऊपर बच गया 3 डिवाइड बाय x, ये इसका आंसर आ जाएगा भाई। बात समझ में आई भाई, थोड़ा देख लिए सवाल, पहले इजी थे, अब मैं धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाऊंगा, ध्यान रखना। ये tan था, फंक्शन एक है मेरे पास में, फंक्शन एक ही है, ये तो इसका एंगल है भाई tan x, ये तो इसका पूरा एंगल है, समझ में आ गई, फंक्शन एक है मेरे पास में, फंक्शन क्या है tan x है ओनली, लेकिन एंगल में ही कुछ 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 फंक्शन और दे दिए, उसका भी हमने डिफरेंशियल किया है। तो देखिए y बराबर tan log x की क्यूब था, मैंने इसको लेट कर लिया, डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू x, जो जिसका डिस्पेक्ट पे करेंगे उस नीचे आ जाएगा dy over dx, इधर भी क्या आ जाएगा dy over dx tan log x क्यूब। अब देखिए tan x का किया तो क्या आ गया sec स्क्वायर log x क्यूब, अब देखिए अब log का करेंगे 1 upon x क्यूब, अब x log का किया, अब क्या किसका करेंगे x क्यूब का, x का क्यूब का क्या हो गया 3x2। देखिए यहाँ से x स्क्वायर था, ये x क्यूब था, x स्क्वायर कट गया, यहाँ से क्या बचेगा अपॉन में x, ये 3 बच गया, ये 3 आ गया, ये कंप्लीट इसका डिफरेंशियल हो गया। और कीजिए देखिए y बराबर log log x, y बराबर क्या है log log x, फंक्शन क्या है एक ही है, देखिए y बराबर क्या है log log x, फंक्शन क्या है मेरे पास में एक ही है log x। अब देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, ये बात देखते क्या करेंगे डिफरेंशियल का सिंबल लगाएंगे, तो देखिए d ओवर dx इधर में क्या कर दे d ओवर dx, इधर से क्या आ जाएगा y, इधर से क्या आ जाएगा log log x, log log x। तो पहले इस log का करेंगे, इस log का पहले करेंगे, जो पहले है उसका पहले करेंगे, तो देखिए ये log log x है, पहले इस log का करूंगा, इस log का एंगल क्या है log x है, तो इस log का करूंगा, इसका मतलब ये log, इसका एंगल क्या है x है, तो log का d over dx करता हूं मैं, d over dx log x इसका करता हूं तो डिफरेंशियल क्या आता है 1 upon x, तो इस log का एंगल यहां पे x था तो इसका x क्या है log x है, तो इसका मतलब इस log का करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 upon x, इसका x क्या है log x, मैंने किसका किया इस log का किया, किसका किया इस log का किया, log का क्या होता है 1 upon x, तो इस log का x क्या है log x। अब देखिए इस log के आगे बढ़ता हूं into, अब इस log x का करूंगा, अब देखिए इस log x का क्या होता है 1 upon x, तो ये क्या आ जाएगा 1 upon x, तो क्या आ गया आंसर 1 upon x log x, इसका आंसर आ गया भाई dy over dx, यानी log log x था, log log x था, इसका log का x ये ही है log x है, इसका एंगल क्या है, इस log का एंगल क्या है log x है, तो देखिए log log x का डिफरेंशियल करेंगे, पहले log का करेंगे, log इस log का x ये है, तो log x का क्या होता है 1 upon x, 1 upon x इसका x क्या है log x,
अब देखिए log का हो गया, इसके आगे इनटू, अब log x का डिफरेंशियल करूंगा क्या हो जाएगा 1 upon x, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 1 upon x log x। तो ये था इसका आंसर। आगे देखिए इसका और भी क्वेश्चन है। साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स का डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले लेट करेंगे इसको, देखिए लेट वाई बराबर साइन कॉस एक्स, ठीक है भाई। अब देखिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशियल करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, d ओवर dx, इधर भी क्या आ जाएगा d ओवर dx, इधर से क्या आ जाएगा y, इधर से क्या आ जाएगा sin cos x, क्या आ जाएगा cos x। तो देखिए dy ओवर dx बराबर, अब ये sin है, देखिए sin x, इस sin x का, इस sin का एंगल क्या है cos x, तो जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा sin का क्या होता है cos x, देखिए d ओवर dx sin x, इसका डिफरेंशियल क्या होता है cos x, cos x यानी कि ये जो एंगल है वो साथ में आ रहा है, तो इस साइन का एंगल क्या है cos x, तो ये आ जाएगा cos x, cos x माने इस साइन का क्या है, इसका क्या, इस साइन का, तो साइन का क्या, तो cos, और एंगल क्या आ गया cos x। अब मैं इस cos x का करूंगा तो इसका, इस cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इस साइन का क्या क्या हो जाएगा, साइन का क्या तो मैंने हो गया कॉस एक्स, तो इस साइन का एंगल क्या था कॉस एक्स, वो साथ में आ गया। अब मैं इनटू करके किसका करूंगा कॉस एक्स का डिफरेंशियल करूंगा, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आ जाएगा वो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस कॉस एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा भाई। देखिए ये थे आपके, यहां पर एक ही फंक्शन के साथ में मैं आपको डिफरेंशियल बता रहा हूं, एक फंक्शन के साथ में डिफरेंशियल बता रहा हूं, फंक्शन के अंदर कितने भी हो सकते हैं भाई ध्यान रखना, तो उस फंक्शन के अंदर पार्ट बाय पार्ट यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको डिफरेंशियल करना है। देखिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।